हेलो एवरीवन, मेरा नाम माहिरा खातून है। मैं बरेली यूपी से बिलोंग करती हूँ। लास्ट ईयर मेरा पीजी कंप्लीट हुआ है एंड एज अ ड्राइंग एंड पेंटिंग आर्टिस्ट मैं 8-10 सालों से प्रोफेशनली एक्टिव हूँ। अभी रिसेंटली ओमान में इंटरनेशनल पेंटिंग कॉम्पिटिशन में मेरा सिलेक्शन हुआ है वाटर कलर कैटेगरी में। उसके साथ ही ओमान में ही ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड की टॉप सेलेक्शंस में मेरा नाम है। साथ ही कलर रत्न फाउंडेशन बरेली यूपी की इंटरनेशनल पेंटिंग कॉम्पिटिशन की टॉप लिस्ट में मेरा नाम होने के साथ साथ मैं अपनी इस फील्ड में और बेहतर करने की कोशिश में प्रयासरत हूँ। ओके, सो थैंक्स अ लॉट ओम राहुल आर्ट कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। इस लॉकडाउन के टाइम पर भी हम अपनी पेंटिंग को इतना ब्यूटिफुली एग्जिबिट कर सकते हैं। सो थैंक्स राहुल सर, स्पेशली थैंक्स। ओके, सो ये मेरी पेंटिंग है, ये मेरी वॉश पेंटिंग है। इसे मैंने कई एग्जिबिशंस में एग्जिबिट किया है। सो आज मैं अपनी वॉश पेंटिंग लाई हूँ। इस वॉश पेंटिंग को मैं बता दूं कि मैंने कैमलिन वाटर कलर्स से बनाया है। कैमलिन के वाटर कलर्स, ऑयल कलर्स, एक्रेलिक कलर्स मैं सारी ही यूज़ करती हूँ। उनके जितने भी मीडियम्स हैं वो सारी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा फ्लो रहता है, एक अच्छी शाइन रहती है और यूज़ करने के पर्पस से बहुत ही अच्छे हैं एंड बहुत अच्छा काम रहता है इनका। मैंने अभी करीबन ये 8-9 सालों से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत अच्छा काम है। सो कैमलिन वाटर कलर्स से मैंने ये वॉश पेंटिंग बनाई है। वॉश पेंटिंग के बारे में, मतलब वॉश टेक्निक के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ कि ये बंगाल स्कूल से भारत में प्रचलित हुई है। अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस जी को इसका श्रेय जाता है। सो मेरी पेंटिंग, वॉश पेंटिंग का टाइटल है सौंदर्य परिचायिका। सौंदर्य परिचायिका ये अभिव्यक्ति है नारी के सौंदर्य की। इस पेंटिंग के माध्यम से मैंने भारतीय नारी की सुंदरता और सौम्यता की अभिव्यक्ति देने की कोशिश की है, छोटी सी कोशिश की है। सो अगर आप पेंटिंग को देख सकते हैं तो आपको नजर आएगा कि इनके एक हाथ में पकड़ा फूल, इनके कोमल स्पर्श को परिभाषित करता है। साथ ही दूसरे हाथ में पकड़ा इनका आंचल शालीनता का पर्याय है। पीछे बहता पानी उनके मन की गंभीरता, विचलित मनोस्थितियों का द्योतक है। और साथ में रखे इनके पत्थर, जिनके आसपास आपको पत्थर नजर आ रहे होंगे, ये पत्थर इनके कठोर दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। पत्थरों में कठोरता होती है और उसी तरह स्त्री अगर निश्चय ले ले, कुछ भी सोच ले तो वो कर दिखाती है। तो जो पत्थरों की कठोरता है वो स्त्री के, मेरे सौंदर्य परिचायिका के दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। इस सबके बीच सौंदर्य परिचायिका के रूप में बैठी ये अमूर्त स्त्री, इस सबके बीच सौंदर्य परिचायिका के रूप में बैठी ये मूर्त अमूर्त स्त्री की छवि के चेहरे की शालीनता ये दिखाती है कि सौंदर्य का स्पर्श और संतुलन के साथ वो कैसे अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है। ये भारतीय स्त्री की क्षमताओं में से एक है कि वो पूरे चित्र की प्रकृति के समान अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर मातृत्व धारण कर, सौंदर्य का स्पर्श लिए एक मुस्कान रखती है। ये अभिव्यक्ति है कि सौंदर्य का स्पर्श, इन सभी चीजों का स्पर्श के बीच संतुलन बनाए रखना और मुस्कान बनाए रखना मेरी भारतीय नारी की सौम्यता और मेरी सौंदर्य परिचायिका जो ये अभिव्यक्ति देती है कि भारतीय नारी की सुंदरता का ही अभिवंदन है। सो ये मेरी छोटी सी कोशिश रही है कि मैं भारत की सुंदरता, भारत के कल्चर की जो हमारी एक खासियत है, जो हम मेनली जब भी सौंदर्य की बात आती है तो हम नारी को ही डिस्क्राइब करते हैं, उनका ही वर्णन करते हैं कि सौंदर्य की बात है तो भारतीय नारी या नारी। तो जो भारतीय नारी की सुंदरता की बात है उसमें मैंने ये पेंटिंग बनाई है, वॉश पेंटिंग है। और मेरी पेंटिंग में मैंने इस स्त्री को सौंदर्य परिचायिका का नाम दिया है। और आई होप कि आप लोगों को मेरी पेंटिंग
का मतलब समझ आया होगा और शायद आपको मेरा वर्क अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको मेरी पेंटिंग पसंद आई हो और मेरी पेंटिंग का मीडियम टाइटल अच्छा लगा हो, मेरा वर्क आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स राहुल सर।